हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए अल्लाह आ गया हूं लेके एक और चैप्टर लेके जावास्क्रिप्ट का। दोस्तों, इसमें हम लोग समझेंगे कैर ऐड मेथड। कैर ऐड मेथड होता क्या है दोस्तों, कैर ऐड मेथड का यूज क्या है, तो हम लोग यूज ही समझेंगे। मैं थ्योरी ज़्यादा नहीं पढ़ाता हूँ दोस्तों। अगर आपको थ्योरी पढ़ना है, एक वेबसाइट रिकमेंड करता हूँ दोस्तों, आप जाइए W3 School पर, वहाँ पर पढ़िए, है ना। वहाँ पर सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है, मैं भी वहीं से पढ़ता हूँ और आप लोग को भी वहीं से पढ़ाता हूँ, ठीक है दोस्तों। आ जाइए यहाँ पर, यहाँ पे आ जाता हूँ मैं और एरे बता देता हूँ आप लोग को। एरे वो सॉरी एरे बता रहा हूँ, कैर ऐड। कैर ऐड मेथड क्या होता है ये हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे शिफ्ट के साथ नॉट इक्वल टू दबाऊंगा, कंट्रोल एल ले लूंगा, कंट्रोल एस करूंगा, इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ कैर ऐड नाम से। यानी जो हमारा जो समझ रहे हैं उसी नाम से मैं एक वेरिएबल नाम दे देता हूँ और इसको HTML.extension पे लगा के इसको सेव कर दूंगा। तो ये सेव हो गया दोस्तों। सबसे पहले HTML5 को कम्प्लीट इस करके यहाँ पे टाइटल जरूर चेंज करिए। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, कैर ऐड, है ना, कैर ऐड। यानी हम लोग कैर ऐड मेथड समझ रहे हैं स्क्रिप्ट का क्या होता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कैर ऐड मेथड क्या होता है। कैर ऐड मेथड कुछ नहीं है, थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा और आप लोग को समझ में आ जाएगा। एक बार स्क्रिप्ट को इंस्टॉल कर लूँगा इस तरीके से। स्क्रिप्ट को मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करना या इनेबल करना आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है दोस्तों। तो जब तक स्क्रिप्ट टैग नहीं लिखेंगे आपका स्क्रिप्ट काम ही नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग आप लोग को लिख लेना है, तभी आपका स्क्रिप्ट काम करेगा। एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं इस तरीके से बी नाम का, और इसमें क्या स्टोर कर दूंगा, बी नाम का नहीं, आप कोई भी वेरिएबल बनाइए। यहाँ पे जरूरी नहीं कि बी बनाइए, एक्स बनाइए, जो आपको बनाना है, एक्स वाई जेड से ए से लेकर जेड तक जो बनाना है वो बनाइए, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई डेटा, कुछ डेटा स्टोर कर देता हूँ इस तरीके से। मैं लिख देता हूँ विशाल, इस तरीके से मैं लिखता हूँ विशाल। यहाँ पर मैं लिखता विशाल 1 2 3 4 5 6, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा। आप कैर ऐड मेथड को समझिए कि क्या होता है। यहाँ पे कोई एक डेटा रखी हुई है एक्स वेरिएबल में, अगर आप एक्स डॉट अलर्ट में लिखता हूँ, अलर्ट में लिखता हूँ मैं एक्स डॉट केयर एट मेथड का यूज करते हैं। केयर एट मेथड का अगर आप यूज करते हैं और इसमें इंडेक्सिंग नंबर पास करना होता है दोस्तों, इंडेक्सिंग नंबर का मतलब यह नहीं कि मतलब इंडेक्सिंग नंबर का मतलब यह हुआ दोस्तों कि कोई भी नंबर आप पास करिए, मतलब पॉजिटिव नंबर आप कुछ भी पास करिए इसमें, है ना। यहाँ पे अगर मैं 5 पास करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या हमें देगा, ये 5 हमें ये क्या देगा, इसका मतलब ये हुआ ये 0 1 2 3 4 4, यानी कि ये हमें L देगा यहाँ पे, है ना। 5 अगर पास करते हैं तो यहाँ पे ये क्या देगा, ये वाला 1, है ना। मैं अलर्ट को चेक करता हूँ, अभी हमें रिजल्ट मिल जाएगा क्या रिटर्न आएगा, है ना। यहाँ पे देखिए क्या है, क्या था, कैर एट, है ना। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ कैर एट, कैर एट, ये देखिए ये है ना। इसको ओपन विथ गूगल क्रोम कर लूँगा मैं। यहाँ पे मैंने गूगल क्रोम कर लिया, ये देखिए क्या आया, 1 आया दोस्तों। अब ये कौन सा 1 है, ये वाला 1 है जो 5 इंडेक्सिंग नंबर पे है यहाँ पे 0 1। अब यहाँ पे अगर मैं 4 अगर 3 लिखूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा मेरे ख्याल से, है ना। मैं रिलोड करूँगा, ये देखिए ए आया, ठीक है। तो इसमें से इंडेक्सिंग नंबर रिटर्न कर रहा है दोस्तों, इसमें से इंडेक्सिंग नंबर रिटर्न कर रहा है। अगर आप 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे तो क्या आएगा, आई आएगा यहाँ पे। देखिए रिलोड करता हूँ, यहाँ पे आ जाऊँ, रिलोड करूँगा फिर इसको, यहाँ पे इसको मैं रिलोड करता हूँ, ये देखिए वो आई आया। अब आई क्यों आया दोस्तों, क्योंकि ये 1 इंडेक्सिंग नंबर पे है, ये 0 पे है, ये 1 पे है। तो ये जो इस तरीके से अगर आप डेटा रखते हैं तो भले ही वो एरे में नहीं है लेकिन ये भी एक इंडेक्सिंग नंबर ही कंटेन करता है दोस्तों। ये 1 0 पे है, ये 1 पे, इसी तरीके से 6 को अगर आप मतलब यहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखिए, मैं 20 लिखता हूँ, यहाँ पे तो 20 डेटा है नहीं, यहाँ पे 20 डेटा है नहीं, यानी 20 इंडेक्सिंग नंबर तो डेटा गया ही नहीं है। तो यहाँ पे 20 लिखने पे क्या रिजल्ट आएगा, हम लोग वो भी तो देख लें दोस्तों। तो यहाँ पे आता हूँ, मैं रिलोड करूँगा पेज को, यहाँ पे आ जाता हूँ, रिलोड करता हूँ, ये देखिए क्या आया, कुछ नहीं आया, क्योंकि 20 पे कोई डेटा है ही नहीं, है ना दोस्तों। तो इसको भी समझना जरूरी है कि अगर आप हम वो चीज़ लिखते हैं जो इसमें है नहीं तो क्या रिटर्न करेगा। यहाँ पे मैं 10 लिखता हूँ, यहाँ पे देखिए मैं 10 लिखूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा। तो अगर होगा 10 तक डेटा तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा, जरूर आएगा। रिलोड करूँगा, ये देखिए 6 आया। इसका मतलब ये क्या हुआ दोस्तों, ये जो 6 है वो 10th इंडेक्सिंग नंबर पे है, यानी इसमें टोटल डेटा कितना होगा, 11, है ना। 0 से काउंट करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो केयर ऐड का मेथड हम लोग कंडीशन जब लगाएंगे, अभी तो मैं केयर ऐड का मेथड समझा रहा हूँ, सॉरी केयर ऐड का यूज समझा रहा हूँ कि यूज क्या है। तो यूज इस यहाँ पे क्या है दोस्तों, कि आप किसी भी डेटा का मतलब किसी कौन से इंडेक्सिंग नंबर पे क्या डेटा है ये आप जान सकते हैं। तो ये सब वैलिडेशन जब हम लोग करते हैं दोस्तों, वैलिडेशन आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा होगा। मैंने जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट में एक वो अपलोड किया था, नंबर वैलिडेशन था, नंबर वैलिडेशन था, उसमें हम लोग समझा था केयर ऐड क्या होता है। उसको आप देखेंगे ना दोस्तों तो केयर ऐड आपको समझ में आ जाएगा कि केयर ऐड का यूज क्या है। जब हम लोग कंडीशन लगाते हैं तो केयर ऐड से हम लोग बहुत बड़ी फंक्शनलिटी को अचीव कर लेते हैं 2 मिनट के अंदर।
तो केयर एड आप समझिए कि केयर एड से क्या करते हैं, हम लोग किसी भी डेटा का कौन से इंडेक्सिंग नंबर पे क्या डेटा है वो हम लोग निकाल लेते हैं। मान लीजिए हमें 5 इंडेक्सिंग नंबर वाला डेटा चाहिए, यानी एल चाहिए, सॉरी 1 चाहिए। अगर आप 4 इंडेक्सिंग नंबर यहाँ पे लिखते हैं तो एल आपको रिटर्न करेगा, है ना। यहाँ पे अगर मैं 4 लिखता हूँ तो ये क्या रिटर्न करेगा, एल, यानी ये देखिए एल आया, है ना। तो इसी तरीके से अगर आप कोई भी डेटा रिटर्न करना चाहते हैं इसमें से, किसी भी डेटा पे आप कंडीशन लगाना चाहते हैं, अभी मैं कंडीशन आप लोग को नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, कंडीशन आगे का चैप्टर है, बस आपको यहाँ पे जो मैं समझाऊँ बस उतना ही समझिए। उसके आगे अगर आप अपने तरफ से इसमें कुछ करना चाहते हैं, नया नया चीज ढूंढिए कैसे क्या होता है, वेरिएबल बनाइए, यहाँ पे आपको हिंट देता हूँ दोस्तों। एक इनपुट फील्ड लीजिए, उसमें डेटा लिखिए कुछ, और उसमें से चौथे इंडेक्सिंग नंबर का डेटा निकालिए, ठीक है दोस्तों, ये आपको करना है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग को समझने में कोई भी प्रॉब्लम है दोस्तों, आप डोंट वरी रहिए, एक एक चीज समझ में आएगी, ठीक है। आगे हम लोग इसका और ज्यादा यूज करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। केयर एड का मतलब क्या है, केयर एड में से हम लोग केयर एड में बस आप याद रखिए कि इंडेक्सिंग नंबर पास करना होता है किसी भी डेटा को निकालने के लिए, कि कौन सा इंडेक्सिंग नंबर पे क्या डेटा है। अगर आप यहाँ पे ए को निकालना चाहते हैं, एक यहाँ पे तो नॉर्मल वैल्यू स्टोर्ड है, अभी हम लोग बड़े बड़े इनपुट फील्ड से जो है डेटा लेंगे, बहुत बड़े बड़े डेटा, तो उसमें से आपको ढूंढने में प्रॉब्लम होगी, तो यहाँ पे तो नॉर्मल डेटा है। तो केयर एड में अगर आप एक निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे काउंट करिए 0, 1, 2, 3, यानी हम यहाँ पे अगर 3 लिखते हैं तो हमें ए मिल जाएगा। तो यहाँ पे आके रिलोड करूंगा, ये देखिए ए मिल गया। तो आपको बस केयर एड याद रखना है दोस्तों, ये केयर एड मेथड याद रखना है, जब मतलब इसका यूज आपको तब जब हम लोग करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन आपको केयर एड मेथड याद रखना है कि बहुत बड़ी फंक्शनलिटी इससे अचीव कर लेते हैं हम लोग 2 मिनट के अंदर, इससे बहुत बड़ी फंक्शनलिटी अचीव कर लेते हैं। तो ये केयर मेथड याद रखना है, तो इसमें क्या पास करते हैं वो याद रखना है। तो इसमें हम लोग इंडेक्सिंग नंबर पास करते हैं दोस्तों। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर आप लोग को समझने में कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप हमें ईमेल करिए, मैं आपको जरूर सोल्यूशन दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन।